वाह 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 मामा जान आपका इंतकाल करते हैं तहे दिल से। कोई दिल तक आने में कोई आसानी तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बस बहुत ही मुश्किल से आ गए। वाह। वैसे हमारा भांजा किस चीज का पार्टनर है आपका? यही झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ। मतलब ये सब कंपनी का सारा झाड़ू पोछा सामान ये सब यही करता है, पड़ोसी से मांग के लाता है। मांग के लाता है मतलब इंपोर्ट करता है, मतलब इधर उधर से लेकर आता हूँ। पड़ोसी मुल्कों से पड़ोसी से मतलब? पड़ोसी पड़ोसी मुल्कों से। बहुत पड़ोसी मुल्क, अगलिस्तान बगलिस्तान पिछलिस्तान इंग्लिस्तान कमालिस्तान फिल्मिस्तान। खजूर का सामान अंदर रखो, चलो जाओ जाओ। हाँ, ले जाओ ले जाओ। अपनी बात है, घर की बात है। जाओ जाओ जाओ। आपके कपड़े बहुत अच्छे महक रहे हैं, आप बड़े खानदान के लगते हैं। हम बहुत बड़े खानदान से, ये सारा दुबई हमारे नाम से बना। आपने अबू धाबी का नाम सुना है? अबू धाबी का नाम सुना मैंने। अबू धाबी हमारे चाचा जी के नाम से बना है। अच्छा। उनका नाम था अबू, अबू की जब शादी हुई तो बीवी ने दाब लिया, लोग कहते बीवी के नीचे दबा है। जब से अबू धाबी आपने काबुल सुना होगा, काबुल हमारे बाप के नाम से बना है। बाबुल होगा, बाबुल बाबुल इंडिया में होता है, इधर काबुल होता है। काबुल ठीक है, अपनी अपनी कंट्री का अपना अपना रेसिपी। शेख साहब, हमने सुना आपके यहाँ ड्राई फ्रूट बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है, हम तो यहाँ अपने कबूतर को भी ड्राई फ्रूट खिलाता है। अच्छा, तो खिलाओ। अब हमने कहा कबूतर को, चुचुंदर को नहीं खिलाता है। चुनर को मत खिलाओ, लेकिन हमें तो खिलाओ। अब नहीं खिला सकता अभी, अब कह रहे हैं कि ड्राई फ्रूट सस्ता, ड्राई फ्रूट खिलाओ। कल को कहेगा पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल पिलाओ। पेट्रोल पिलाया और कल को स्टार्ट हो गया तो। अच्छा शेख साहब, सही से बताइए आपका बिजनेस क्या है? हम बनाने का काम करता है। बनाने का, केला हमारा केले का फैक्ट्री। अकेला केला? हाँ, हम अफगानिस्तान से छिलका मंगाते हैं, उसमें केला भर भर के बेचता। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारी फैक्ट्री का केला इतना इतना बड़ा होता, एक दर्जन में सिर्फ दो ही आता। बस ठीक है शेख साहब, एक दर्जन में दो केला ही बेचो तभी आप मार्केट में खड़े रह पाओगे। बहुत बहुत। अच्छा शेख साहब, वैसे और क्या बिजनेस है? हमारा बहुत बिजनेस है, हमारा पानी का जहाज है। पानी का जहाज? ये वाला तो नहीं? यही पानी वाला जहाज। आप बुरा ना माने, ये थोड़ा छोटा नहीं है? छोटा नहीं है, खोचा कबूतर। कभी खजूर खा हो तुम्हारा दिमाग चले। ये पानी का जहाज है, जब पानी में उतारेंगे तो बड़ा होगा। जब भी इसको चला रहा होता है, एक दिन पहले हम पानी में भिगो के रखते, फूल के बड़ा हो जाता है। हम बैठ के टुचर टुचर करके जाता है। अच्छा, मैं सोच रहा है कि हमारा पानी का जहाज तो है। हाँ। मैं आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट इधर करवाता है। अच्छा, दुबई में आपके चार ऑटो रिक्शा चलवाते है। शेख साहब, हम जब कानपुर में थे तो हम भी सोचा करते थे कि मुंबई में कभी हमारे ऑटो रिक्शा चलेंगे, तो मुंबई ना सही दुबई में चल रहे, चलवाइए इन्वेस्ट करवाइए। वैसे आपका बिजनेस क्या है, सही बताइए बिजनेस? बिजनेस हमारा बहुत बिजनेस है, हम ये ऊंट देख रहे हैं? हाँ। इनको स्टडी वीजा पे ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। शेख साहब, ये इनको ऊंट को क्यों पढ़ा रहे हैं, ऊंट को क्यों पढ़ा रहे हैं? आपने अब जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं तो ऊंट के बराबर हुआ। आपने कहावत तो सुना होगा, भूरा अक्षर ऊंट बराबर। शेख साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, कहावत है काला अक्षर भैंस बराबर। वो इंडिया में होता है, इधर आपको भूरा ही मिलेगा, वो भी ऊंट के साथ। शेख साहब, जरा ऊंट पे बिठा के सैर तो करवाइए। अब ऊंट पे नहीं जा सकता, बाहर बहुत रेत टूटता है, इतना रेत टूटता है, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं मुंह के ऊपर पेटी को डाल के खाता है। अजीब बात, इतना रेत टूटता है, कभी कभी तो किसी के पेटी कोट में कोई और घुस के खाना खा जाता, पता ही नहीं चलता है। लेकिन शेख साहब, रेत तो राजस्थान में बहुत उड़ता है। हमने सुना है। मैं राजस्थान में जा रहा था, बैठे कायदे क्यों कि एक टोपी पड़ी रास्ता में, मैं टोपी उठायो तो नीचे से बाल दिखे, बाल तो मैं और खोदना शुरू किया तो एक आदमी दिखे। वाह, वो आदमी क्या बोल रहे हो,
और खोदना पड़ेगा, मैं ऊंट के ऊपर बैठा हूँ। और खोदो तो ऊंट बोल रहे हो कि और खोदो भाई, मैं तो बिल्डिंग के छत पे हूँ। शेख साहब ये बताइए, इतना बड़ा दुबई और उसमें सिर्फ दो ही लोग रहते हैं? दुबई में बहुत रश है, मुंबई से भी ज्यादा। ये तो आपके आने की खुशी में दुबई को हमने छुट्टी दे दी, बोलो जाओ संडे। इससे पहले कोई और सवाल पूछे, हम आपको अपने फैमिली से मिलाता है। हाँ, फैमिली से मिला दी जान। तेरे को हमने कहा था हम लोग अरबी बने हुए, तू के ये अंग्रेजों वाली ड्रेस पहन के आ गई। अरे शुक्र कर ये मिल गए, वरना वो तो मुझे डांडिया वाले कपड़े दे रहा था। ये हेलो हेलो बोलो। शेख साहब ये आप दोनों खुसर बुसर क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ। अरे दादी तुम इधर है, हम तुमको कब से किधर किधर नहीं ढूंढा बिट्टू। वैसे मैं तुम्हें बता दूं बिट्टू, शेख बिट्टू वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे जो 20 पेट्रोल के कुएं थे वो मैंने बेच के एक बड़ा सा समंदर खरीद लिया है। जहाज घुमाया करेंगे। बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बात का ध्यान रखने का, खाली समंदर के ऊपर ढक्कन लगवा देना, तो पिछली बार की तरह समंदर में से हमारा गोल्डन बेल चोरी हो जाएगा। बिल्कुल फिकर मत करो, चारों तरफ से मैंने बाउंड्री वॉल बना दी है और उसके ऊपर फेंसिंग भी लगा दी है। ऐसे शेख बिट्टू ये पागल साथ भी कौन है? ये राजू के मामा जी है। हेलो हेलो, ये हमारी दादी, ये हमारी दादी विक्टोरिया। हेलो हेलो, जय हो जय हो। व्हाट हैव, यही चल रहा मार्केट। शेख साहब एक चीज समझ में नहीं आई, आप शेख हैं और ये दादी अंग्रेज, ये कैसे? हमारे दादाजी को अंग्रेजी चीजें बहुत पसंद था। अच्छा, हम लोग तो गुलाम अली साहब का गजल भी अंग्रेजी में सुनता था। साइलेंट साइलेंट डे नाइट टीयर्स बहाना आई रिमेम्बर। एक बार लंदन गए तो वहीं से ले आए इनको। चिपके चिपके रात दिना, ठीक है। दादी हम क्या सोचते हैं? क्या राजू के मामा को अपने बिजनेस में पार्टनर बना ले? शेखू ये तुम क्या खाती? हम गरीब लोगों को पार्टनर नहीं बनाती, लेकिन शेखू 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 तुम्हारी इज्जत के आगे मैं हार गई। ठीक है, इसको पार्टनर बनाती। काम यार जल्दी से इस पे अंगूठे लगाओ। आज से तुम हमारा पार्टनर हो गया, पार्टनरशिप। आपका टॉयलेट कहाँ है? क्यों? हल्का होना है। बाथरूम इधर जाके ढूंढ लेना। हल्का होना है, हल्का होना है, हल्का होना है। दुबई खुद चल के आपके घर आया है का? नहीं, हम चल के दुबई गए, इससे तुझे क्या लेना देना? तू बता तू यहाँ क्या करने आया लच्चा? अरे आज हम कसम खा के आए हैं कि अपने दूध के पैसे हम लेकर जाएंगे ही जाएंगे। अरे हमारी भैंसिया को पैसे की बहुत जरूरत है, उसे अपने बछड़े को स्कूल भेजना है ना। भैंस का बछड़ा कब स्कूल जाता है सांडू में? अच्छा, आप अपने ऊंट को पढ़ा सकते हैं तो हमारी भैंसी ने क्या गलत फॉर्म भर दिया है? शांत शांत शांत, कितने पैसे हुए तेरे? 5,000। 5,000 रुपए उधार मांगने आया हमसे? देखो तो हम कितने अमीर हो गए, तुझे पता है? बच्चू एक डेरी खरीद के मार इसके मुंह पे। निकाल देगा। पुचर 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 पुचर। आप लोग अमीर हो गए हो क्या पागल हो गए हो? ए दादी तू देना इसको जवाब, मैं टुच्चे लोगों के मुंह लेता है। सुन, पागल तो तू होगा लच्चा, जब तुझे पता चलेगा कि हमने 1 करोड़पति आदमी को लूटा है। करोड़पति आदमी? या सच मूछ? तो फिर हमें भी अपना
अपना दोस्त बना लीजिए ना। देखिए हम भी बहुत मुसीबत में है, क्या है कि हमारी जो भैंसिया है उसने हम पर केस कर दिया है कि हम उसका सारा दूध निकाल लेते हैं। अरे सही में, और वो भैंसिया का जो बछड़ा है वो भी गवाही दे रहा है उसकी तरफ से ही। अरे अब फैमिली मेंबर तो फैमिली मेंबर की मदद करेगा, आप हमारी मदद कर दीजिए, हमें अपना बिजनेस का पार्टनर बना लीजिए। दादी इधर आ जा, गरीब लोग इन्फेक्शन ना हो जाए। अच्छा पार्टनर बनाए तुझे, अभी तो 5,000 रुपए के लिए लड़ रहा था मैं। शेखू इसे बना लेते, बड़ा गरीब बंदा है, आफ्टर ऑल हमने इसका दूध पिया है। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, बना लीजिए ना पार्टनर, क्या जाता है। बना ले दादी पार्टनर, बना ले बना ले, वैसे भी हमें स्टाफ चाहिए चाहिए, पीएन वीएन सब चाहिए, रख ले। आजा लच्छू, बना लिए तुझे भी। अरे तो बढ़िया हो गया, हम भी पार्टनर बन गए। कौन आया, कौन है? अरे लच्छा किसी ने सही कहा है, दुबई में सब कुछ मिलता है। देखो लच्छा मिल गया, गिरधारी का बेटा, तुम यहाँ दुबई में क्या कर रहे हो? अरे दुबई को छोड़िए फूफा, ये बताइए कि आप यहाँ मुंबई में क्या कर रहे हैं? अरे सिंघाड़ा लाल, ये दुबई है, हम 20 मिनट पहले आए दुबई में। अरे फूफा क्या कमाल की बातें कर रहे हैं आप, अरे शर्मा जी इनको बताइए ना ये मुंबई है। अरे अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने बड़े आदमी को, शेख साहब को शर्मा शर्मा करके उन्हें शर्मिंदा कर रहे हो? शेख साहब बड़ा आदमी। बड़े आदमी तो ये है। नहीं नहीं, बड़े आदमी शेख साहब है, ये आपका बड़प्पन है, बड़े आदमी आप है, आपका बड़प्पन है। अरे आपका है, तेरा ना बड़प्पन, तुम्हारा बड़प्पन। एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि आप ये करोड़पति फूफा को बड़ा आदमी क्यों बोल रहे हैं? अरे करोड़पति फूफा तो एकदम फकीरचंद आदमी है, क्यों बताओ ना फूफा। हाँ हाँ भाई, मेरा तो नाम करोड़पति यादव है, लेकिन अब शेख साहब की कृपा से हम असली में करोड़पति होने वाले हैं। मतलब तुम्हारा करोड़ों का जायदाद नहीं है? नहीं नहीं, एक तो आप आराम से बात करिए। मैं करोड़पति यादव मेरे नाम है, मेरे पास तो नाम के लिए सिर्फ दो कच्छे हैं, एक पजामा है और एक धोती है, एक लोटा है, एक लंगोट है और एक तुलसी का पौधा भी है। दादी बिट्टू क्या कोई बात हो गई? नहीं नहीं बताते। पर अपना कसूर तो कोई नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, अपना पिटना तो नहीं बनता। बिल्कुल भी नहीं, ना भागना बनता है। बिल्कुल नहीं, किसका करे, हमें क्यों देख रहे हैं, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं इस बात में। मेरे को कुछ बोला, चुप है। नहीं क्या बात हुई, हमें तो बताइए। नहीं कोई, आप करोड़पति यादव है जी, मैं ही कहना था। एक सेकंड मैडम, कोई बात हुई क्या? नहीं हमें बताइए क्या बात। करोड़पति सीधा साधा आदमी हूँ और मेरी कोई गलती, एक सेकंड। देखिए तो मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, जहाँ तक देश का सवाल है मैं देश को जोड़ने में विश्वास करता हूँ। आज हमारा देश इस प्रकार से आगे चल रहा है। दादी मेरी गलती, मेरी गलती, ये सब भांजा, मारोगे बुजुर्गों, मारोगे कबीर वाले मेरे बाबू। दादी अम्मा, नानी नानी, अम्मा अम्मा, एक मिनट। हाँ ये सिंगदाना बेचने वाला करोड़पति है? मेरी बात सुनो साहब, क्या बात, क्या सही से बता क्या हुआ था? मैं आपको सब मैं आपको सब बताता हूँ, एक मिनट। क्या हुआ, क्या था, क्यों झूठ बोला हमसे? मैं आपको बताता हूँ सारी बात, बताता हूँ। तुम बताओ। मामा आए इधर से, इधर से आए तो रोड चल रही थी, और ये जो रोड है ना, एक तो उधर से बाहर जाती है, एक इधर से बाहर जाती है। मामा तुम उधर से निकलो, मैं